और क्या हाल चाल है भाई लोगों। तो आ चुके हैं एक और नए गेम प्ले पे। तो इस गेम प्ले में इस बार मैं हर बार की तरह पूछूंगी कि जो ये साइड पे वाली बिल्डिंग होती है, तो हर बार इसी साइड उतरता हूँ और इस साइड भी काफ़ी अच्छे किल निकल जाते हैं, पर इस बार इस साइड कोई भी बंदे आए नहीं होते। और स्टार्टिंग में हर बार की तरह भाई एक ही लाइन रहती है कि गन बिल्कुल नहीं मिलती है, और होता भी हमेशा ऐसे है कि स्टार्टिंग में भाई कभी गन मिलती नहीं। कि देखना इस पूरे घर के अंदर एक गन नहीं थी, तो मैं दूसरे वाले घर के साइड आ गया तो उस साइड मुझे भाई सारी गनें मिल जाती है जो मुझे चाहिए होती है। भाई यहाँ पे बैरल और यूजी मिल जाती है जो स्टार्टिंग के लिए काफ़ी सही होती है, तो इसलिए भाई एक बार मैं ऊपर भी चेक कर लेता हूँ कि कुछ अच्छी लूट मिल जाए। तो यहाँ पे वेस्ट मिलने के बाद मैं डायरेक्ट भाई रेस्ट कर देता हूँ जहाँ से फायर आता है। तो यहाँ पे ये मेरी तरह सोलो स्क्वाड खेल रहा होता है, पर ये भाई कोने से किसी को मार रहा होता है। पर भाई हम डॉक्टर वेनम को पहुँचा देते हैं लॉबी। तो यहाँ पे मुझे एक बंदा स्पॉट होता है जो बहुत ही गंदा फायर कर रहा होता है मुझे, तो भाई मैं कवर में आ जाता हूँ। तो यहाँ पे आराम से बैंडेज वैंडेज मारता हूँ क्योंकि ड्रिंक व्रिंक तो बिल्कुल होती नहीं है। तो यहाँ पे भाई जब आराम से जाता हूँ तो भाई क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइटें चल रही होती है और कम से कम यहाँ पे 2 से 3 स्क्वाड आपस में एक दूसरे से लड़ रही है, तो इसके बाद यहाँ पे मैं इस ट्रिपल स्टोरेज में आ जाता हूँ क्योंकि इसके ऊपर से एक बंदे का साउंड आ रहा होता है। तो इसने भाई मुझे नोटिस बिल्कुल भी नहीं करा, जिस तरीके से इसने मुझे नोटिस नहीं करा तो इसे भी मैंने भाई उसी तरीके से नोटिस करा के सीधे लॉबी पहुँचा दिया। तो अब बारी थी इसके टीममेटों की क्योंकि वो भी आसपास इधर ही थे। तो जिसमें से मैं एक बंदे को तो नॉक कर देता हूँ। अभी मेरे पास सबसे बढ़िया मौका था इस वाले स्क्वाड के ऊपर रश करने का, तो मुझे लगा कि यहाँ पे 2 फुटस्टेप आ रहे थे। तो यहाँ पे भाई ये सही मौका था उस बंदे को भाई फिनिश करने का, क्योंकि उसके साथ साथ उसका टीममेट भी गलती उसके हत्थे चढ़ गया भाई, लॉबी पहुँच गया वो भी। अगर वो भाई कोई सही जगह पे रिवाइव छोड़ देता तो क्या पता वो बच जाता, पर उसने रिवाइव बिल्कुल भी नहीं छोड़ा तो उसे पहुंचा दिया लॉबी। तो अब बारी इस बॉट की थी क्योंकि खुले से जा रहा था, तो भाई अच्छे खासे जितने किल निकल सकते हैं उतने किल निकालो, चाहे एक बॉट मारो या 4। तो उसके बाद अभी पूछेंगे कि मैं काफ़ी बंदे बचे हुए थे। तो यहाँ पे जब मैं लूटने लगा तो मुझे पीछे से फायर आता है क्योंकि मुझे इससे 6x चाहिए था। तो जो पीछे वाला फायर आया था तो वो बॉट फायर था, पर पीछे से भी मुझे साउंड आ गया कि बंदे मेरे पे रश कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इस घर में आता हूँ और इस बॉट को मारता हूँ। तो इस बॉट से मुझे M416 चाहिए थी, तो मैं M416 और M416 का एम उठा लेता हूँ इस बॉट से। तो यहाँ पे आराम से मैं अपना एडजस्टमेंट लगाता हूँ इसमें 6x, और उसके बाद चलेंगे सीधे बंदों पे रस करने। यहाँ पे पूरा रिलोड रिलोड और ड्रिंक मार लेता हूँ, हेल्थ पूरी फुल कर लेता हूँ। उसके बाद भाई बंदों को तीतर भरेंगे। तो सबसे पहले इस बॉट को भाई फिनिश करते हैं क्योंकि जो बंदे हैं वो भाई डायरेक्ट डायरेक्ट आते जा रहे हैं, कहीं बॉट आ रहे हैं कहीं बंदे आ रहे हैं, तो कुछ पता नहीं चल रहा कि कौन रियल है कि कौन बॉट है। तो यहाँ पे पीछे से बहुत तगड़ा साउंड आता है कि फायर का, यहाँ पे एक स्क्वाड आपस में फाइट चल रही थी, तो मैं डायरेक्ट यहीं पर घुस जाता हूँ इस वाले स्क्वाड में। तो यहाँ पे फिर एक बॉट और मिल जाता है और इसी में एक बंदा मेरे ऊपर रश कर देता है। वो तो अच्छा हुआ एंड टाइम में भाई मैं ऊपर चले जाता हूँ, वरना ये बंदा भाई मुझे काफ़ी तगड़ा फिनिश कर देता है क्योंकि यहाँ पे पता नहीं चल रहा कि कौन बॉट है कौन भाई रियल बंदा है। तो यहाँ पे पीछे से मुझे बंदों का साउंड आता है, मैं कवर में जाता हूँ और यहाँ पे पूरा स्पॉट करता हूँ कि बंदे कहाँ पे है, क्योंकि भाई बॉट के साथ पूरा कन्फ्यूजन हो रहा है कि रियल बंदा कौन सा है और बॉट कौन सा है। तो यहाँ पे मुझे एक बंदा स्पॉट होता है जिसे काफ़ी इजीली मैं फिनिश कर देता हूँ। बारी इसकी टीममेट की। तो इसके टीममेट को भी लॉबी पहुंचा देता हूँ, पर ये बंदा भाई छत में चढ़ा होता है और मुझे ये जब वहाँ से कूदता है तब पता चलता है कि ये बंदा छत पे चढ़ा हुआ है। तो इतने में जब मैं यहाँ से लूट ही रहा था क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा किल हो गए थे, काफ़ी ठीक ठाक किल हो गए थे, और यहाँ पे भाई क्योंकि पेटी बहुत ज़्यादा थी तो वह यहाँ से मैं AKM उठा लेता हूँ और यूजी छोड़ देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास 6x और सारी इनफ लूट थी, तो यहाँ पे मैं एक बार रेड डॉट उठा लेता हूँ AKM के लिए।
तो यहाँ पे एक बॉट और स्पॉट होता है जिसे भी भाई मारेंगे और चलेंगे उसके बाद बंदों पर रश करने। तो यहाँ पे भाई ये बॉट जो बंदा जो भी था उसे पहुँचा दिया लॉबी। तो हल्का सा एमओ एमओ लूटता हूँ मैं इससे, फिर चलते हैं भाई यहाँ से। तो सीधे मैं गैराज में चले जाता हूँ, यहाँ से गाड़ी निकाल के चलते हैं भाई, क्योंकि पूछेंगे में काफ़ी ठीक ठाक किल निकल गए और उसके बाद अभी भी भाई 40 बंदे अलाइव है। तो यहाँ मैं ड्रॉप में आता हूँ, ड्रॉप में मुझे कोई भी बंदा स्पॉट बिल्कुल नहीं होता है, पर यहाँ पे मैं सोचा था ड्रॉप से एमके या ग्रोजा मिल जाती तो भाई काफ़ी मज़ा आता सोलो भी स्कॉट के लिए, पर भाई मिलती नहीं है। चलो कोई बात नहीं, जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो भाई यहाँ पे मुझे एक बंदे का साउंड आता है। जो कैम्प करा हुआ था भाई, इसने बहुत ही गंदा कैम्प करा हुआ था, वो तो उसने मेरी गाड़ी का आवाज़ सुन के भाई खिड़की में आ गया। वो तो भाई मुझे पता भी नहीं चलता कि ये बंदा यहाँ पे है। तो इसके बाद सीधे मैं चले जाता हूँ 2 फ्लेयरों के पास, क्योंकि अब सीधे 2 फ्लेयरें चली हुई थी यहाँ पे। यहाँ पे जो स्क्वाड होती है भाई, स्क्वाड ने भाई कम से कम 2 फ्लेयर चलाई होती है भाई, 2 फ्लेयर। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे रश कर देता हूँ इस वाली स्क्वाड पे, और इतने में एक बंदा मुझे स्पॉट होता है जिसे मैं डैमेज देता हूँ, पर डैमेज देने का फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि वो बंदा भाई टोटली कवर में चले जाता है। और मैं सीधे हल्का सा डैमेज देने के बाद इस वाले स्क्वाड पर डायरेक्ट अंधा रस कर देता हूँ, क्योंकि भाई अगर इनने भाई ड्रॉप की गने लूट ली तो फिर भाई मुश्किल हो जाएगा इन पर रस करना, क्योंकि ड्रॉप रोड साइड था तो अभी लूटा हुआ भी नहीं था। तो मैं डायरेक्ट इस वाले स्क्वाड पर रस कर देता हूँ। वो तो अच्छा, वो इस स्क्वाड के यहाँ पे 2 ही बंदे थे और इनने भाई फ्लेयर बिल्कुल भी नहीं लूटा होता है, तो ये भाई तगड़े कैंपर बंदे थे भाई, कहीं से भी फ्लेयर गन चोरी करके भाई 2-2 फ्लेयर चलाई थी इनने यहाँ पे। पर भाई मेन बात ये होती है कि दोनों फ्लेयर गन में जो भी मतलब 2 ड्रॉप आते हैं, दोनों ड्रॉप में सेम गन होती है, तो यहाँ पे भाई एम के भाई फेवरेट है। तो एम के या ग्रोजा होती तो भाई दोनों में से एक गन उठाता हूँ मैं, एम के या ग्रोजा। तो यहाँ पे वाले फ्लेयर में भी आता हूँ तो भाई ड्रॉप में आता हूँ, तो यहाँ पे इस ड्रॉप में भी भाई सेम गन है, M249 और एम के। तो यहाँ पे एम के उठाई लेती तो डायरेक्ट चले जाता हूँ भाई दूसरे स्क्वाड पर रस करने। उससे पहले भाई ये सस्ता बॉट आ जाता है जिसे दबा देता हूँ, और उसके बाद मैं ज़रा सा भी वेट नहीं करता यहाँ पे और सीधे चले जाता हूँ गाड़ी लेके इस साइड। मुझे यहाँ पे बग्गी लगी दिखी तो मैंने गाड़ी रोकी और हल्का सा भी साउंड आया मुझे। तो यहाँ पे 1 किल और बढ़ा के सीधे भाई मैं गाड़ी पकड़ लेता हूँ, क्योंकि भाई लास्ट जोन में केयर और जन बंदे ऐसे फिनिश होते हैं कि भाई बंदे मिलते ही नहीं है और वो भाई खुद ही खुद मर जाते हैं। तो यहाँ पे भाई क्या ही कर सकते हैं, अब 2 बॉट मिल गए तो मिल गए भाई, अब किल बढ़ा लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे भाई 2-3 बंदे होते हैं जो भाई एक स्क्वाड के होते हैं, पर यहाँ पे नेड एड कर रहे होते हैं भाई, गलती कैम करा होता है इन्हें स्क्वाड हाउस में। तो इस साइड यासना साइड में बहुत कम आता हूँ, क्योंकि आपने मेरे गेम प्ले में देखा हो कि यासना साइड मेरी फाइट बहुत कम होती है, क्योंकि बहुत कम जोन बनता है और यहाँ बहुत ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग है, तो भाई यहाँ फ़ाइट लेना थोड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पर थोड़ा ट्रिक की फ़ाइट लेनी पड़ती है, तो जिस हिसाब से भाई मैं यहाँ चढ़ के इस बंदे को नॉक करता हूँ, देखना अभी। तो इस बंदे को नॉक करने के बाद डायरेक्ट वाले इस बंदे पे मैं रेस्ट कर देता हूँ, इसके बाद का स्कैम देखना भाई आप। इस बंदे को मैंने फ्रेश करा, इसका टीममेट भाई सीढ़ी पे ही लेटा लेटा तो क्या मतलब बैठा हुआ है। भाई लिटरली इस बंदे ने भाई 10 HP कर दी थी मेरी, अगर मैं इस पर डायरेक्ट रेस्ट कर देता तो भाई ये तो मुझे पूरा टोटली फिनिश कर देता। तो यहाँ पे इन बंदों ने काफ़ी तगड़ा कैम्प करा हुआ था भाई, एक सीढ़ी के साइड और एक दूसरे साइड। वो तो अच्छा हुआ भाई मैंने छत में चढ़ गया, ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स से मारा इस बंदों को। तो इस बंदे मारने के बाद फिर से एक बंदा बचा, तो भाई एक बंदे बचे ढूंढने में काफ़ी दिक्कत होती है। अगर खुला एरिया हो तब तो सही है, यासना साइड बहुत बड़ी जगह है, वो तो जोन आधा यासना से कट गया। तो मेरे लिए ये फ़ायदा हो गया कि ये बंदे को ढूंढना थोड़ा सा आसान था, क्योंकि मैं जाता हूँ सीधे ड्रॉप के पास, मुझे लगा कि ड्रॉप के पास बंदा हो सकता है। तो जब मैंने ड्रॉप के पास वाले घर में एक गाड़ी लगी हुई देखी तो मैं समझ गया बंदा 1v1 फाइट होगी, और बंदा होगा तो वहीं पे होगा। तो मैं डायरेक्ट देखना अब क्या ही फाइट होती है उस बंदे से मेरी। मुझे लगा कि ये तगड़ा बंदा होगा, पर ये भाई बहुत ही सस्ते से भी सस्ता वाला बंदा निकला। जो बंदा तो था जिसे गाड़ी चलानी आती थी पर भाई गन एन पकड़ना आता नहीं था उसे, और ना ही गन चलाना आता नहीं था, बस उसे गाड़ी चलानी आती थी और एक जगह पे कैम्प करना आता था,
तो ये बहुत ही सस्ता बंदा निकला। अगर आपको ये गेम प्ले अच्छा लगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कर देना। और मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।